नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AAS अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की चयन परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ करेंगे वर्ग 1 का रिजल्ट कब तक आएगा और इसकी नियुक्ति कब तक होगी। बहुत सारे छात्र, स्टूडेंट्स और शिक्षक साथियों के बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न थे, तो हम इस वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ग 2 के चयन परीक्षा की, वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आखिर कब तक आ सकता है। तो आपको बता दूं कि जैसा कि पता है और ये पेपर में भी आया हुआ है कि 15 से 25 मार्च के आसपास, आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी, इससे पहले उम्मीद है कि आपका दिसंबर में कल रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद या तो वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशंस है वो दिसंबर लास्ट वीक में आ जाएगा या फिर जनवरी में आएगा। और दिसंबर जनवरी में यदि आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता होगा कि जो हमारी ESB है उसका भी एक शेड्यूल फिक्स है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग यदि वो परीक्षा कराना चाहें तो फरवरी में, मतलब करा सकते हैं फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी एग्जाम ले सकते हैं। लेकिन यदि मार्च में फर्स्ट वीक में और फरवरी के लास्ट वीक में इसकी एग्जाम नहीं ली तो मान के चलिएगा चुनाव के बाद, मतलब मई के बाद जून में इसकी एग्जाम होने की संभावना है। इसलिए आपको तैयारी लगे में करना है और तैयारी में लगे रहना है क्योंकि आपके पास समय कम है। जिसने इस समय का सदुपयोग कर लिया समझिएगा उसका सिलेक्शन उस समय होना बिल्कुल तय है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, या तो आपका नोटिफिकेशन सभी दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा या फिर जनवरी में, और जनवरी में नहीं आया तो फिर आपका जो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम आपकी जून में ही जाएगी क्योंकि चुनाव के बाद आचार संहिता 20-25 के आसपास लग सकती है। दूसरी बात इसलिए करेंगे कि आपको वर्ग जो 2 है आपका उसमें बहुत सारे कम स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कंपटीशन भी है। कंपटीशन के साथ साथ बहुत सारे लोग इसको लगे हैं कि यार हमें मतलब होड़ है, एक कंपटीशन है कि हमें तैयारी करना है, कम लोगों में कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए तैयारी अपनी स्टॉप नहीं करनी है, आपको रोकना नहीं है और आपको जारी रखना है। दूसरी बात करेंगे वर्ग 1 के रिजल्ट की, तो वर्ग 1 के रिजल्ट के आने की पूरी उम्मीद है कि वर्ग 1 का रिजल्ट जैसा ही हमारी सरकार आती है, मतलब कल रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद जो भी सरकार आएगी वो शपथ लेती है, उसके बाद इनको रिजल्ट देना बहुत जरूरी है। और रिजल्ट के बाद नियुक्ति की भी बात करेंगे तो आपको पता है कि जो भी सरकार आएगी वो सोच समझ के करेगी, लेकिन हाँ उम्मीद ऐसी जताई जाती है कि यदि रिजल्ट आ गया तो फरवरी तक इनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट होने के बाद आपके चुनाव बाद ही इसकी नियुक्ति होने की संभावना रहेगी। चुनाव के पहले नियुक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि सरकार जो भी रहेगी सरकार सत्ता में उसके लिए मौका भी रहेगा कि इस प्रकार से हम लोगों को कह सकते हैं कि हमने इतने लोगों को नियुक्तियां दी, इतने लोगों को ज्वाइनिंग दे दी वर्ग 1 में, तो कोई बात नहीं। लेकिन वर्ग 1 का तो जो रहेगा वो तो उनका रिजल्ट आना है और रिजल्ट पक्का ही आएगा और रिजल्ट के बाद उनको नियुक्ति भी मिलेगी। लेकिन वर्ग 2 के सभी शिक्षक साथियों से और सभी छात्रों से, सभी जो भी पहले बैठ चुके हैं पात्रता परीक्षा में, उन सभी से यही मेरा आग्रह है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी करते रहें और तैयारी करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और वर्ग 2 के सिलेबस से रिलेटेड किसी भी वर्ग 2 से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप तैयारी यदि अभी से करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और यदि तैयारी में आपने ढील दी और आप सोच रहे हैं कि यदि हम उसी समय करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में अब जो भी ESB के पेपर हो रहे हैं वो बहुत हार्ड हैं और इनका जो स्तर है बहुत कठिन है, तो इसलिए आपको उस स्तर को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है और लगन से और ईमानदारी से जरूर आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के साइन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे मिलते रहेंगे। नमस्कार।